गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस के रिगार्डिंग। सीडीएस का नोटिफिकेशन अभी दिसंबर के लास्ट में आने वाला है और जो बच्चा सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो नोटिफिकेशन देख के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे सीडीएस का क्राइटेरिया क्या है और सीडीएस का फॉर्म कौन सा बच्चा फिल कर सकता है और सीडीएस की तैयारी के लिए आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि सीडीएस को कंडक्ट करवाने वाला यूपीएससी है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीधी सी बात है, अगर यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है तो आपकी तैयारी भी यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, आईएएस के बाद अगर कहीं दूसरी तैयारी प्रिपरेशन की बात आती है तो वो सीडीएस की प्रिपरेशन की बात आती है। बच्चों, सीडीएस की बात करें तो सीडीएस का अलग अलग फंडा है, यानी कि इससे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जा सकते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स एकेडमी में भी जा सकते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भी जा सकते हैं। यानी कि सीडीएस से चार कैटेगरी ऐसी रहती है जिनमें हम जाते हैं। और ओटीए में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी रहेगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे कि क्या फंडा रहता है। चलो आईएमए की सबसे पहले बात करें हम, तो सीडीएस आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आईएमए का एलिजिबल जो रहता है वो मेन रहता है, मतलब मेल इस फॉर्म को भर सकता है। ग्रेजुएशन पास चाहिए और एनी स्ट्रीम, यानी कि वो किसी भी क्राइटेरिया से पास आउट हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बैचलर डिग्री चाहिए होती है। और उसका एज का क्राइटेरिया जो रहता है 19 ईयर टू 24 ईयर, यानी कि मिनिमम 19 ईयर और मैक्सिमम 24 ईयर रहता है। इसके बाद जब हम सीडीएस आईएनए की बात करते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं, तो इसका भी फॉर्म मेल भर सकता है और इसका क्राइटेरिया जो रहता है ग्रेजुएशन पास का रहता है, बट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम फिजिक्स एंड मैथ। यानी कि अगर आपके पास प्लस टू लेवल पे फिजिक्स और मैथ है तो वो कंपल्सरी चाहिए आपको प्लस टू लेवल के ऊपर, और नहीं है तो आप आईएनए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका एज का क्राइटेरिया जो रहेगा 19 साल से 22 साल, यानी कि मिनिमम 19 ईयर एंड मैक्सिमम 22 ईयर का इसका भी क्राइटेरिया रहता है। अब सीडीएस एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो इसका क्राइटेरिया बच्चों, इसके लिए भी मेल एलिजिबल रहता है, ग्रेजुएशन पास रहना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से आपका फिजिक्स मैथ कंपल्सरी प्लस टू लेवल होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स मैथ इसमें भी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए और एज का क्राइटेरिया इसमें 19 ईयर टू 23 ईयर तक रहता है। अब बच्चों सीडीएस ओटीए की बात करें, यानी कि इसका एज का क्राइटेरिया क्या रहता है ओटीए की बात करते हैं, तो ओटीए में मेल एंड फीमेल, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास चाहिए एनी स्ट्रीम, यानी कि आपकी कोई भी स्ट्रीम हो ग्रेजुएशन पास चाहिए हो, और इसकी मिनिमम एज जो रहती है 19 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर इसका एज रहता है। अब बच्चों सीडीएस के सिलेबस की बात करते हैं, यानी कि आपको पढ़ना क्या है, और अगर इसकी बात की जाए सीडीएस के अकॉर्डिंग, तो बच्चों सब्जेक्ट जो इसमें रहते हैं आपको इंग्लिश का कवर करना होता है, जीएस कवर करना होता है और मैथ कवर करना होता है। बच्चों जीएस में, जीएस तो एक ब्रह्मांड है, अगर इसकी बात की जाए तो जीएस के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, यानी कि जीएस का पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है। मैथ के खास खास टॉपिक कवर करते हो तो भी आप मैथ को क्वालिफाई कर लेते हो, और इंग्लिश में भी मतलब ठीक ठाक रहता है आपका प्रोग्राम, बट जीएस आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है सीडीएस में। अब बच्चों बात करते हैं सीडीएस ओटीए एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं, तो ओटीए में आपका इंग्लिश और जीएस रहता है, यानी कि जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर और इंग्लिश का सिलेबस आपका ओटीए में रहता है। सीडीएस के एग्जाम पैटर्न की बात करोगे आप तो मैथ का एग्जाम 2 आवर्स का रहेगा, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं इसमें, तो टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका सीडीएस में रहता है। इंग्लिश भी 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा और 120 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, और इसका टोटल मार्क्स की बात करोगे तो 100 मार्क्स रहता है, यानी कि करीब करीब 0.83 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है आपका। अब जीएस की बात करोगे बच्चों तो जीएस भी आपका 2 आवर्स का रहता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है, और टोटल मार्क्स की बात करोगे तो इसमें भी 100 मार्क्स होता है, यानी कि 0.83 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। फाइनल रिजल्ट की बात करें कि इसका फाइनल क्या रहता है, तो मैथ 100 क्वेश्चन, इंग्लिश मैथ 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स और जीएस जीके 100 मार्क्स, यानी कि टोटल 300 मार्क्स रहेगा,
और बच्चों जैसे ही सीडीएस का एग्जाम क्रैक करोगे आफ्टर दैट आपको देना होता है एसएससी जो कि आपका रहता है 300 मार्क्स का। बट बच्चों एनडीए और सीडीएस का एसएसबी अलग होता है। एनडीए के एसएसबी की बात करोगे तो 900 मार्क्स वहां पे दिखाई देता है बट सीडीएस के एसएसबी में आपको 300 मार्क्स दिखाई देता है जिसमें इंटरव्यू जीटीओ यानी कि ग्राउंड टास्क ऑब्स्टेकल जीडी ग्रुप डिस्कशन पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट स्टेट वेट पीएफटी ये सारे टेस्ट देखने को मिलते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एसएसबी के बारे में बात करेंगे कि एसएसबी में आपका क्या क्या रहेगा और किस प्रकार आपको एसएसबी क्रैक करना होता है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।